गुड मॉर्निंग माय डियर पेटाइंस. यस बेटा, हाउ आर यू ऑल? एज यू नो दैट इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू लेसन, लेसन 8, वाटर. ओके, एंड इन दैट क्लास वी हैव डिस्कस्ड टॉपिक वाटर, इट्स इम्पॉर्टेंस एंड ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. ओके, नाउ टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज वाटर साइकिल. What is water cycle? You have already read in previous classes na. Water cycle kya hoti hai beta? Circulation of water from earth surface to the atmosphere and again back to the earth surface. Okay? Jo continuous process hota hai water ka, that is called the water cycle. So in this class we will discuss water cycle and potable water. Now what is potable water beta? Potable water is the water that are fit for drinking, that are fit for the consumption, ठीक है, or for human beings. हमारी consumption के लिए, हमारी drinking के लिए जो पानी fit होता है, जिसमें impurities नहीं होती, that water is called potable water. So are you ready for the class? Now let's start the class beta. Okay? Now beta, we are talking about water cycle. Okay? Water cycle. What is water cycle beta? As you know that before starting the water cycle, I want to ask you one question, that what is this? This is water. Okay, and from where we get water? Hame pani kahan se milta hai? We get water from rain. Okay, and from where do we get from rain? Rain hame kahan se milti hai? We get rain from clouds. And another question is, from where clouds get water? क्लाउड्स को पानी कहां से मिलता है? सो टू फाइंड आउट दीज आंसर्स, लेट अस डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल इज ऑल अबाउट हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ द रेन फॉर्म्ड. कैसे क्लाउड बनते हैं, कैसे रेन होती है. सो वाटर साइकिल क्या है बेटा? इट इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट और इट इज अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू द एटमोस्फियर एंड बैक टू द अर्थ. ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबाउ एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, सो दिस इज द वॉटर साइकिल. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ वॉटर साइकिल. ओके, स्टेप्स क्या है बेटा? देर आर फोर स्टेप्स ऑफ वॉटर साइकिल. फर्स्ट विल बी इवेपोरेशन. इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वॉटर साइकिल. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? चेंजिंग ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर, इंटू गैस, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन. द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इंटू वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ओके, एंड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द टू प्रोसेस दैट प्ले अ वाइटर रोल, दैट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आर नेचर. थर्ड प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन. Water falls from the sky in the form of rain, snow or hail, and this process is called precipitation. Okay, and the next fourth step is collection. Oceans and lakes collect water that has fallen and water evaporate into the sky again, and this cycle continues. Okay, so these are the process: evaporation, condensation, precipitation and collection. ओके, तो क्या होता है बेटा इसके अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. वाटर क्या है? ड्यू टू द सन्स हीट, हीट कम्स फ्रॉम द सन एंड बॉयल्स द वाटर. ठीक है, एंड द वाटर देन वेपोरेट. ठीक है, एंड कंडेंस एंड मेक द क्लाउड. ठीक है, दीज वाटर कंडेंस एंड मेक द क्लाउड. ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड वेन दीज क्लाउड बिकम हैवी, दे फॉल, द वॉटर फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स टूवर्ड द ग्राउंड अंडर ग्रेविटी इन फॉर्म ऑफ अ रेन और स्नो एटसेट्रा. एंड दिस वॉटर देन कलेक्ट इंटू, देन मोस्ट ऑफ द रेन वॉटर सिंक टू द ग्राउंड वॉटर, स्टे एज अ ग्राउंड वॉटर एंड सम आउट फ्लो टूवर्ड्स द रिवर एंड लेक एटसेट्रा. सो दिस इज द कम्प्लीट वॉटर साइकिल, दैट इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड collection. Okay beta, so this is the steps of water cycle. Now beta, we will discuss about potable water. What is potable water and characteristics of potable water?
ओके सो व्हाट इज पोर्टेबल वाटर बेटा? पोर्टेबल वाटर क्या है? पोर्टेबल वाटर इज द वाटर दैट इज फिट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर. वाटर फिट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग. एंड वाटर हैज मैनी मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. सो वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू रिमेन हेल्दी. ओके, सो पोर्टेबल वाटर क्या है? द वाटर दैट इज फिट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर और द वाटर दैट यू ड्रिंक द ड्रिंकिंग वाटर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर आर इट शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. इट शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. ओके, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हार्मफुल जर्म्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, साइनाइड्स, यूरिया एटसेट्रा. ठीक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. इसके अंदर कोई जर्म्स, जो कोई ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट या फिर नाइट्रेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए. ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है किसके बेटा? ड्रिंकिंग वाटर की. जो आप पानी ड्रिंक करते हो, जो आप पानी पीते हो, इट शुड बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हार्मफुल जर्म्स एटसेट्रा. ओके, नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. टॉपिक है बेटा वाटर साइकिल. ओके, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फियर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. वाटर की सर्कुलेशन अर्थ सरफेस से एटमोस्फियर पे और दोबारा वापस अर्थ में आना, दैट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है बेटा? इन नेचर वाटर कंटिन्यू टू चेंज इट्स फॉर्म. द वाटर इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, रिवर्स, सी एंड ओशियन हीट अप्स. जो ये वाटर जो है, वाटर जो है ये सी में, ओशियन में, लैंड रिवर में, ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, दीज आर हीट अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. When the water heat up, जब ये water heat हो जाती है, that will change into evaporation. Water changes to gas. ठीक है, water change हो जाता है gas में. It changes into water vapor. The water vapor rises up in the sky. ठीक है, and it change into and come in contact with the cold air and it cool downs and form small droplets of water. ठीक है, ये जो water water vapor है that rises up. ठीक है, इन द स्काई एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर, इट कूल डाउन एंड फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. एंड दीज टाइनी ड्रॉप्स क्लिंग टूगेदर, ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स. ठीक है, एंड द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ क्लाउड ऑन कूलिंग फर्दर कम टूगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप्स ऑफ क्लाउड्स, लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर. एंड वेन दीज क्लाउड्स बिकम हैवी दे फॉल एज अ रेन. ठीक है, दैट इज प्रेसिपिटेशन. वाटर फॉल एज अ रेन. मेन बेटा इसमें फोर स्टेप होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड अगेन कलेक्शन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन के बाद वाटर फॉल एज अ रेन, दैट विल अगेन कलेक्ट इन द रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स. देन अगेन इट विल हीट अप बाय द सन्स हीट, इट विल वेपोरेट बाय द सन्स हीट and then condense, then rain, and then again collect in the rain and water. So this continuous process you have, the rain water flow back into the pond, river, sea and oceans, and this process goes on continuously and it is called the water cycle. Okay beta, so ye continuously process chalta rehta hai, what the isko hum kya kahenge? Water cycle. Now second topic hai beta, potable water. पोर्टेबल वाटर क्या है? वाटर विच इज क्लीन एंड प्योर. जो वाटर क्लीन होता है, प्योर होता है, जो हमारे लिए फिट होता है, जिसको हम इजिली कंज्यूम कर सकते हैं, फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, दैट इज नोन एज पोर्टेबल वाटर. एंड नीड फॉर पोर्टेबल वाटर क्यों जरूरत है बेटा? अगर हम गंदा पानी पियेंगे वी गेट सो मैनी डिजीज. सो द वाटर विच इज प्रेजेंट इन लेक, रिवर, पॉन्ड्स. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर एज अ अंडरग्राउंड वाटर कैन ओनली बी यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है, थस देयर एग्जिस्ट एन इंटेंस नीड फॉर पोर्टेबल वाटर. क्योंकि जो वाटर लेक्स, रिवर्स में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, तो इसीलिए उनको हमें फिट करने के लिए, उन्हें हमें पीने के लिए हमें पोर्टेबल वाटर चाहिए. एंड द ड्रिंकिंग वाटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा? इट शुड बी कलरलेस, वो कलरलेस होना चाहिए. इट शुड बी ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए. ऑर्डर मीन स्मेल,
स्मेल नहीं होनी चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज से वो फ्री होना चाहिए, उसमें कोई किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए, दैट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जर्म्स एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, उसमें कोई जर्म्स कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम हार्मफुल कंपाउंड्स. ओके बेटा, सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो आपने यहां तक इस चैप्टर पेज को रीड करना है. ओके, सो बेटा यू हैव टू रीड पेज नंबर 77 ऑफ लेसन 8 वाटर एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल इन योर नोटबुक ऑल्सो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.